इसी बीच एक और बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ गई, आपको बता देते हैं, एक बड़ी खबर। दरअसल गुरवंत पंत सिंह का हिमाचल को धमकी दी गई है। तो पन्नू ने हिमाचल प्रदेश को धमकी दी, मोहाली में हुआ ब्लास्ट, शिमला में भी संभव है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, आपको बता दें कि ईमेल के जरिए पन्नू ने एक और धमकी दे दी है। तो जिस तरीके से विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे दिखे थे, उसके बाद एक और धमकी मिली है। हिमाचल में पहले ही हाई अलर्ट जारी है और उसके बाद एक और धमकी यहां पर दी गई है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, जिस तरीके से एक और धमकी यहां पर पन्नू की तरफ से दी गई है, बीते ही कुछ दिन पहले देखा गया था कि खालिस्तानी झंडे दिखते हैं और उसके बाद ईमेल के जरिए एक और धमकी, क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, एक मेल जो है वो अब रिसीव हुई है और ये तमाम जितने पत्रकार हैं या फिर जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, तमाम जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन लोगों को ये मेल जो है वो इसी तरह से आ रही है। और ये इस हफ्ते में तीसरी और चौथी दफा जो है इस तरह से मेल यहाँ पर आई है, जिसमें जो SFJ है, सिख फॉर जस्टिस जो संगठन है, जो कि आतंकवादी संगठन है, और ये माना जा रहा है कि क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो बीते कल ही जारी किया गया था हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरफ से, और ये कहा गया है कि इंटरपोल की मदद उसमें ली गई थी, क्योंकि ये सिख फॉर जस्टिस का जो जो मेन आदमी है ये है पन्नू, गुरपतवंत सिंह पन्नू। इसने आज भी एक ऑडियो क्लिप जो है वो जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आगाह किया है कि जो धर्मशाला में जिस तरह से विधानसभा के परिसर में झंडे फहराए गए, उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर नहीं करनी है। इसको लेकर चेतावनी जो है वो यहाँ पर उसने दी है और ये कहा है कि हिंसा जो है वो इस पूरे मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। लेकिन इतना ही नहीं, उसने अपनी धमकी में ये जिक्र किया है, ऑडियो क्लिप में जिक्र किया है कि अब जिस तरह से हमने देखा कि पंजाब के मोहाली में भी अब पुलिस मुख्यालय पे हमला हुआ और उसके बाद अब शिमला जो मुख्यालय है पुलिस का, यहाँ पर भी एक हमला करने की धमकी यहाँ पर दी गई है। लेकिन यही नहीं, इसके साथ साथ ये भी बताया गया है पन्नू की तरफ से, जो आज कहा गया है कि खालिस्तान झंडों के लिए $50,000 जो है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में खर्च किया जाएगा, और जिसको लेकर जगह जगह इसी तरह से झंडे जो है वो खालिस्तान के फहराए जाएंगे। तमाम चीजों के बीच अब चिंताएं जो है वो जरूर बढ़ गई है। एक तरफ हाई अलर्ट पर हिमाचल प्रदेश है, पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखे हुए है, और ऐसे में जो बॉर्डर एरियाज है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो सीमावर्ती इलाके हैं इनमें जम्मू कश्मीर का इलाका है, पंजाब का इलाका है, हरियाणा का इलाका है, उत्तराखंड का इलाका है, तमाम ये इलाके, और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये तमाम बॉर्डर हिमाचल प्रदेश के साथ लगते हैं। तो ऐसे में पूरी तरह से पुलिस मुस्तैदी के साथ पैनी नजर बनाए हुए हैं, हर आने जाने वाले के ऊपर निगरानी रखी जा रही है, गाड़ियों को रोक रोक कर चेक किया जा रहा है, आइडेंटिटी कार्ड जो है वो सभी लोगों के चेक किए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि बाहरी राज्यों से कौन लोग क्या चल के भीतर आ रहे हैं। तीसरी नजर से भी, यानी कि सीसीटीवी कैमरा की नजर से भी जो है वो नजर रखी जा रही है कि कोई ऐसी गतिविधि या कोई ऐसा संदिग्ध जब भी हिमाचल प्रदेश में एंटर होता है, हिमाचल प्रदेश के भीतर आने की कोशिश करता है, पूरी तरह से चेकिंग जो है वो उसकी की जा रही है। लेकिन तमाम चीजों के बीच अब यही है कि अब हिमाचल प्रदेश को लगातार टारगेट जो है वो किया जा रहा है, और पन्नू की तरफ से ये धमकी पहली बार नहीं है, इससे पहले कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। जुलाई 2021 को भी हिमाचल प्रदेश में धमकियां जो है वो जगह जगह लोगों को यहाँ पर मिली थी, पुलिस अधिकारियों को मिली थी, पत्रकारों को मिली थी, आम जनता को मिली थी, और इसके साथ साथ वो नुमाइंदे जनता ने जिनको चुनकर विधानसभा भेजा, यानी कि विधायक और मंत्रियों तक को ये धमकियां जो है वो यहाँ पर दी गई थी। और ये भी चेतावनी पन्नू की तरफ से दी गई थी कि 15 अगस्त के दिन सभी लोग अपने अपने घरों में रहे, कोई घर से बाहर ना निकले, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ये चेतावनी दी गई थी कि आप तिरंगा झंडा शिमला में ना फहराएं, हिमाचल प्रदेश में कहीं भी तिरंगा झंडा नहीं होना चाहिए। उसका पन्नू का सीधा यही कहना था कि हिमाचल प्रदेश जो कि पहले पंजाब हुआ करता था, एक बार फिर से पंजाब में इसे शामिल किया जाएगा, हिमाचल सरकार से इसे छुड़ाया जाएगा, और ऐसे में फिर से खालिस्तान जो है वो इसे बनाया जाएगा। इस तरह की धमकियां कहीं ना कहीं विचलित करती हैं जनता को, क्योंकि शांति प्रिय प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, और ऐसे में इस तरह की घटना इससे पहले नहीं हुआ करती थी। लेकिन तमाम चीजों के बीच अब जिस तरह की चलिए, ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।